हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपको कैसे प्यार करेंगे। बहुत ही स्वीट टॉपिक है, तो इसके लिए हमेशा की तरह हम दो पायल से देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का कि आप सभी ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, और जिससे कि मैं बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है, आप सब जब मिलकर प्रे करते हो, आप सब मिलकर ब्लेसिंग्स देते हो ना, तो रियली वो वर्क करती है। कहते हैं ना, दुआओं में शक्ति होती है, वो सच में है। और मेरे से तो कई बार ये चीज़ आप लोगों के ज़रिए से ही हो चुकी है, तो मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ कहीं ना कहीं। मैं यही मानती हूँ कि मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स के भी लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स से ना अंदर से बहुत फ्रेश और बहुत ही कहते हैं ना, बहुत रिकवरी सी महसूस होती है। तो बस ऐसे ही श्री राधा श्याम सुंदर जी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, और बनाए ही रखा है तभी आप लोगों की ब्लेसिंग्स इतनी मतलब इतनी वर्कफुल रहती हैं, इतनी मैजिकल रहती हैं। कहीं ना कहीं श्री राधा श्याम सुंदर जी का आशीर्वाद आप सब पर बहुत है, बहुत ज़्यादा, और आगे भी रहे। मैं तो यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए। और भक्ति से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो, संदेश देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपने दूसरे चैनल का, हरे कृष्ण टैरो चैनल का, जहाँ पे श्री राधा श्याम सुंदर जी के संदेश आते हैं, वो भी आप ज़रूर से देखें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ ही लोग भक्ति की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि जो चेंज हम लोगों की ज़िंदगी में आता है और जिस चेंज से हम खुश हैं, हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, तो आप तक भी वो लक्ष्य को पहुंचाना है। आप लोगों को भी श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में पहुंचाना है। बस यही एक हर एक डिवोटी का एक यही सपना होता है। तो मैं तो खैर वो डिवोटी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग श्री राधा श्याम सुंदर जी के शरणागत हुएं और आप भक्ति के बारे में जाने, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन जाने ज़रूर। अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स भी, आपके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। चलिए देखते हैं आप सबके लिए क्या रीडिंग आती है। पायल वन, भगवान का नाम लेते रहिए। एंड पायल टू, ठीक है। आज ये कॉम्बिनेशन बहुत आ रहा है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये टॉपिक मिला है अब जाकर, क्योंकि मेरी रीडिंग ही नहीं हो पा रही थी। मैं जिस टॉपिक पे कर रही थी उस पे हो ही नहीं पा रहा था, तो अब जाकर मुझे ये एनर्जी क्लिक हुई है कि ये टॉपिक शायद करना चाहिए आप लोगों के लिए। तो पायल वन, द मून, पावरफुल इंट्यूटिव इम्पिफनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। एंड पायल टू, सेवन ऑफ विंटर, देयर इज अ बेटर चॉइस, Not seeing things clearly, running away from the truth. तो ये कुछ messages भी हैं आप लोगों के लिए अभी के, जब भी आप इस reading को देख रहे हो, ये अभी के लिए आपके लिए message आ रहा है। ध्यान दीजिए इन messages पर भी। Almost ये आ रहा है आप लोगों के लिए 1 week तक का message। तो ध्यान रखिए अपना, ठीक है, emotional aspects में। चलिए ये है कार्ड्स, इंट्यूटिव सिलेक्शन करना है तो अगर आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली करना है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये कुछ पायल सिलेक्शन हुआ है आज का। तो अपना पायल सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल वन, चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपको कैसे प्यार करेंगे। बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा टॉपिक होगा, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं एक साथ श्री राधा श्याम सुंदर जी का नाम, फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे शुरू।
अगले एक सॉन्ग आ रहा है, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे तुम छुपा लूंगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है सुनना जरूर, बहुत अच्छा है। तो लाइक दैट काइंड ऑफ रोमांटिक हो सकते हैं ये, आपको अपने दिल में छुपा लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। कैसे प्यार करेंगे, आज का जो ये विषय है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, क्योंकि समझने में बड़ा वक्त लगता है, समझाने के लिए तो और भी ज़्यादा। द मून, आप से कहना चाहते हैं कि जब अंधेरी रात होती है और उसमें चांद नहीं होता, कहते हैं ना जब चांद बिल्कुल काली रातें जब होती हैं, तो उन काली रातों में एक अजीब सा डर और एक अजीब सी फिक्र होती है, ऐसे मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना है। लेकिन वहीं जब चांद खिलता है इस अंधेरी सी रात में, तो ये अंधेरी सी रात भी बहुत हसीन और बहुत सुंदर लगती है, और यही मेरी जिंदगी तब होगी जब तुम मेरे साथ होगी, जब तुम मेरे साथ होगे। मैं बढ़ता चला जाऊं, मैं बढ़ती चली जाऊं तुम्हारे साथ, हर कदम मिलाकर मेरी जिंदगी एक सॉन्ग है ना, मेरी जिंदगी में आके जिंदगी बन गए हो तुम, कुछ ऐसा सॉन्ग है, जिंदगी बन गए हो तुम, कुछ ऐसा ये सॉन्ग आ रहा है इस कार्ड से मुझे आपके लिए। कहना चाहते हैं कि जब आप उनकी जिंदगी में आओगे तो उनकी जिंदगी में कई ऐसे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे जो शायद अभी नहीं खुल रहे हैं। कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जो अभी लगी हैं मुझे रोकने के लिए, और मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि एट लीस्ट आई एम सेफ फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो। मैं तुम्हारे लिए भी सुरक्षित हूँ, मैं अपने लिए भी सुरक्षित हूँ। कि अगर ये बेड़ियां नहीं होंगी, अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी आज, तो मेरा मन कहीं भी भटक सकता है। तो अच्छा है ना कि मेरा मन ना भटके और मेरा मन, मेरा दिल, मेरा सब कुछ तुम पर है। मैं किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है जब ये बेड़ियां अपने आप खत्म होंगी ना, तब ये वो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचाएंगे। अभी मैं कितना खोजने की कोशिश करूं कि तुम कहाँ हो, मुझे नहीं मिलोगे, यही तो है ना, यही तो वो बेड़ियां हैं, बेड़ियां भी नहीं, यही वो प्रोटेक्शन है हम दोनों के लिए, तो शायद ईश्वर की ओर से है, यही वो प्रोटेक्शन है कि रुको अभी नहीं, अभी वो वक्त सही नहीं जहाँ तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले। शायद ईश्वर भी नहीं चाहते कि अभी हम दोनों मिलें, क्योंकि शायद अभी इसमें ही हमारा भला है। लेकिन हम जब भी मिलेंगे मेरी जान, ये हाथ हमेशा थामे रखना है, यही मेरा सपना है और यही मेरा खुद से वादा है। क्योंकि अपनों से वादा निभाने के लिए पहले हमें अपने साथ निभाना होता है वादा, तो अपने साथ वादा करके मैंने तुम्हारा साथ निभाना है, और इस साथ को निभाते हुए हर घड़ी हर पल तुम्हें प्यार करते रहना है। एक सॉन्ग है ना, बहुत प्यार करती है तुमको सनम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत अच्छा सॉन्ग। तो वहां मेरे अंदर अपने आप वो साहस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे वो ईश्वर बुद्धि देंगे, और मेरे अंदर वो इमोशंस आएंगे, वो फीलिंग्स आएंगे,
जिससे कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ सेविंग्स कर सकूं मेरी जान। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा, करूंगी। तुम्हें तुम्हारे फीलिंग्स को सेव करने, सेव रखने के लिए, तुम्हारे इमोशंस को कभी हर्ट नहीं करना मैंने। तुम्हारे इमोशंस को हमेशा, कहते हैं ना कि तुम्हारी भावनाओं को हमेशा खुशी पहुंचानी है, दुख कभी नहीं पहुंचाना। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर में तुम्हारा सपोर्ट करना है। तुम्हें एंथुजियाज करना है तुम्हारी लाइफ को जीने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में आओ तो तुम अपनी जिंदगी भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आई वॉन्ट कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर जाए ना, कि तुम्हें इतना खुश देखकर मेरा दिल प्यार से भर आए। मैं इतना खुश तुम्हें देखना चाहता हूँ, इतना खुश तुम्हें देखना चाहती हूँ, और तुम्हें रेस्ट देना चाहता हूँ, तुम्हें आराम मिले। यस, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत है, और अगर कुछ ऐसा होगा दोनों देख लेंगे साथ में, है ना। जो दुख के समय भी साथ हो वो होता है सच्चा प्यार और सच्चा रिश्ता। तो दुख तो ऐसा है कि कभी सुख कभी दुख, लेकिन प्यार इस भंवर, इस सुख दुख के भंवर में अगर हमारा प्यार टिक गया तो मैं पूरी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल रहूंगा कि मुझे इस जिंदगी में ऐसा प्यार मिला। ऐसा प्यार जो बेमिसाल है, जिसको मैं कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, जो सिर्फ मेरा दिल जानता है कि ये कितना स्पेशल है मेरे लिए और कितना जरूरी मेरी हर एक सांस के लिए। इस कदर मैंने तुमसे प्यार करना है, इस कदर मैंने तुम्हें तुमसे मोहब्बत करनी है, तुम्हें प्यार देना है। और भी बहुत मेरे ऐसे प्लान्स हैं जो शायद मेरे अभी बहुत इनकम्प्लीट हैं, बहुत अधूरे छूटे हुए हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, या शायद तुम्हारे आने से मेरे कुछ अधूरे प्लान्स कंप्लीट हो जाएं, और उन्हीं प्लान्स को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो चाहूंगा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहे। और अगर कभी गलती से भी आंसू आ गए तो मेरा सीना हमेशा तुम्हारे साथ हो। नहीं चाहूंगा, नहीं चाहूंगी कि आंसुओं का कोई और फायदा उठाए। चाहूंगा कि आंसुओं को पोंछने का भी हक सिर्फ मुझे हो और किसी को नहीं। वो इस कदर आपसे प्यार करना चाहते हैं, इस कदर आपसे प्यार करते ही हैं। जो व्यक्ति आपके लिए अभी से इतना सोच रहे हैं, जो आपसे अभी मिले भी नहीं है, वो आपके लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, इतनी अच्छी वाइब रख रहे हैं, तो सोचिए जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो आपके लिए क्या क्या करना चाहेंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बड़ी बात है कि यू आर ब्लेस्ड गाइस। एक लड़की भीगी भागी सी, तो ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग सुनते होंगे। यस आई एम प्रोटेक्टेड फॉर यू, आपके लिए बड़े प्रोटेक्टिव भी होंगे। या टच योर फेस, वो आपके फेस को ना लिटरली टच करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ से उन्होंने आपके लिए एक सॉन्ग भी गाए हैं, तो आप ज़रूर सुनिएगा। वेरी पावरफुल माइंड, उनका काफ़ी पावरफुल माइंड होगा, तो वो आपके लिए ना काफ़ी सेविंग्स करके रखा करेंगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करा करेंगे, काफ़ी ऐसे प्लान्स देखा करेंगे जिसमें आप फाइनेंशियली भी
फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी, मेडिकली भी आप कहीं ना कहीं सेफ हो। वो यही चाहेंगे कि आपको कभी किसी तरीके से हेल्थ वाइज, फिजिकल एस्पेक्ट से, करियर एस्पेक्ट से कभी भी कोई आपको दिक्कत ना हो। आप में से कुछ लोग होंगे तो सपोज ऐसे भी होंगे जो आपको स्टडी कराना चाहेंगे, आपको पढ़ाना चाहेंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी और फोरहेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हर किसी के सामने आपको वो किस भी करना चाहते हैं आपके फोरहेड पर। सडन वेल्थ, इनके आने से आपके जीवन में वेल्थ, समृद्धि आने लग जाएगी। तो ये आपका लक होंगे आपके स्पाउस। 14 ईयर्स, ये 14 ईयर्स कहीं ना कहीं कुछ मैटर करते हैं, किस तरीके से तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये 14 ईयर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहे हैं। आंखें भर आएंगी, देखा ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं यहाँ से, कि उनकी आंखें भर आएंगी जब वो आपको ना खुश देखते होंगे। उनकी आंखें ना, कहते हैं ना, उनका दिल भर आया करेगा, क्योंकि यही उनका ना आपके आने के बाद एक यही लक्ष्य रहेगा कि उन्हें ज़िंदगी भर आपको खुश रखना है, कभी भी ना उन्हें आपको मायूस नहीं देखना। मेरा आशीर्वाद सदा सदा के लिए, तो ये उनकी कुल देवी का या आप दोनों की कुल देवियों का आशीर्वाद हो सकता है आप दोनों पर, जो कि आप दोनों के रिश्ते को और भी स्ट्रांग बनाएंगी। ठीक है, और देखते हैं आप लोगों के लास्ट मैसेज। मैं लास्ट मैसेज बहुत अच्छे से देखने वाली हूँ, बड़ा देखती हूँ, सर्च करते हैं बिल्कुल अच्छे से ना कोई मिल जाए लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए आज के लिए। रिकवरी इन फाइनेंस और हेल्थ, वाओ ये चीज़ आई थी ना, अभी इतनी बार ये बात यहाँ पे बोली है और यहाँ पे भी आ गई कि इनके आने से आपके जीवन में फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज बहुत रिकवरी होगी। तो ये इस कदर आपको हर एस्पेक्ट से प्यार करना चाहेंगे, हर एस्पेक्ट से, इमोशनली नहीं, जस्ट फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली तो देखिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जब हर चीज़ कहीं ना कहीं सोचते हो तो स्पिरिचुअली भी सोचा करें कि दोनों साथ में मिलके टेंपल जाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जब आप अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचें तो उसी वक्त आप दोनों एक दूसरे के करीब आएं और गुरुजनों का आशीर्वाद लेने ले, पहले महामंत्र का जाप करें एंड देन उसके बाद आप ये प्रोसेस करें। तो देखिए मतलब स्पिरिचुअली ये सब एक रिश्ता मियाँ बीवी का समझने के लिए ना हमें गुरु साधु शास्त्र का ना ज़रूरत होती है, उनका सहारा, उनका आश्रय लेना पड़ता है। जब हर चीज़ की हेल्प लेते हैं तो हमें गुरु साधु शास्त्र का भी हेल्प लेना चाहिए कि हम अपना रिलेशनशिप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे बेटर करें। हम अपनी पहली संतान को जब जन्म दें तो हमारी संतान अच्छी होए तो ये कैसे होता है, ये हमें गुरु साधु शास्त्र सीखना चाहिए। तो वो भी आप ज़रूर करिएगा। और इसके आगे भी कि हम अपनी संतान को संस्कार कैसे दें, हम एक दूसरे में वो संस्कार कैसे लेकर आएँ, हम एक दूसरे के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ। सबका एक ही है कि अगर कृष्ण को याद रखोगे, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को याद रखोगे तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उनको भूल जाओगे तो धीरे धीरे करके सब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपके स्पाउस जब आपको इतना प्यार करेंगे, कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण दादा रानी का भी आप सब पे आशीर्वाद आएगा, ज़रूर आएगा, और कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ये था आज का बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कोई कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे, राधे राधे पाल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके स्पाउस आपको कैसे प्यार करेंगे, कैसे प्यार करना चाहते हैं, कैसे प्यार करेंगे। पाल वन तो बहुत ही प्यारी आई है, आप लोगों के लिए भी मैं बिल्कुल अच्छे से देखने की कोशिश करूँगी। तो आप सब बस अपना एक आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी एनर्जी कनेक्टेड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबकी ब्लेसिंग्स है और श्री राधा श्याम सुंदर जी की ब्लेसिंग्स है, तभी ये रीडिंग्स आ पाती हैं। नहीं तो मेरे में हमेशा कहती हूँ कोई सामर्थ्य नहीं है। तो प्लीज़ आप जब भी कोई थैंक यू बोला करो, आप मुझे नहीं, आप श्री राधा श्याम सुंदर जी को बोला करो और ख़ुद को भी बोला करो, क्योंकि आप खुद इतने प्योर हो तभी इतनी रीडिंग्स अच्छी आती हैं आप लोगों की वजह से भी। तो आपके हृदय में जो विराजमान है ना श्री राधा श्याम सुंदर जी, उनको थैंक यू बोलो, और जो सामने हमारे श्री राधा श्याम सुंदर जी उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से कहीं ना कहीं और आपके प्योर हार्ट की कृपा से कहीं ना कहीं रीडिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर भी बनाए रखें, और श्री राधा श्याम सुंदर जी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देखते हैं, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे ना, ठीक है, फिर उसके बाद हम आपके रीडिंग को देखेंगे।
हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फाइव फॉर विंटर, ठीक है। सो जिन्होंने भी पायल टू सिलेक्ट करी है, आपका पहला कार्ड आता है सेवन ऑफ विंटर। इससे हम एक चीज तो क्लियर यहाँ पे आ रही है कि आपके स्पाउस आपके लिए हमेशा आपका भला ही सोचेंगे, हमेशा आपके लिए बेटर चूज करेंगे। जैसे हमारी देखो मदर हमारी मम्मी की बराबरी ना कोई कर नहीं सकता है, सीधी सी बात है। मम्मी जैसा कोई नहीं हो सकता ना, दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ क्वालिटीज आपके मदर की या फिर हर एक मदर में जो एक क्वालिटी होती है ना कि आप मार्केट जाओ तो अपना कपड़ा नहीं लेंगी हमारी मम्मी, हमारी मैया हमारा कपड़ा जरूर लेंगी, या अपना लेंगी तो हमारा उससे बेटर लेंगी अपने से। तो जैसे पेरेंट्स का होता है ना कि अपनी वो नहीं देखते, वो ये देखते कि मेरे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकूँ, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेहतर कर सकूँ। तो ऐसे ही ना आपको अपने स्पाउस में भी ये चीज़ नज़र आएगी कि वो हमेशा ना कहीं भी मतलब हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको हमेशा आपके लिए बेटर करना चाह रहे हैं, आपकी बहुत परवाह कर रहे हैं। अपनी कोई चीज नहीं लेंगे लेकिन आपके लिए जरूर चीज लेंगे, ठीक है। अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचेंगे, आपके लिए सोचेंगे। तो उनका हमेशा ये साइड देखकर ना आपकी कभी कभी आंखें भी भराया करती होंगी कि सच में इनके होने से ना मुझे मेरे घर की ना बहुत कम याद आती है। अगर पति अच्छा हो ना घर की याद कम आती है, पत्नी अच्छी हो ना तो लगता है कि हाँ घर पूरा है। तो ऐसा आपको महसूस होगा, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइस, बट उसके लिए आपको भी खुद ऐसा बनना होगा। तो इस कदर से वो आपको इस तरीके से आपको वो प्यार करना चाहते हैं। और देखें तो वो कहते हैं झूठ से और झूठे लोगों से मुझे मैं दूर ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कोई नफरत या कोई यारी, कोई दोस्ती या फिर कोई दुश्मनी, मैं दूर रहता हूँ। ना वो मेरे दुश्मन हैं ना वो मेरे दोस्त हैं, मुझे बस ऐसे लोगों से दूर रहना है जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रह सकूं और अपनी जिंदगी में जितने लोग हैं उनको खुश रख सकूं। झूठ बोलने वाले को खुशी दे रहा है और सामने वाले को एक अंधकार में रख रहा है, झूठे विश्वास में रख रहा है, तो वह झूठ गलत होता है। जिससे किसी के इमोशंस की हत्या हो जाती है, किसी के विश्वास की हत्या हो जाती है। ऐसे झूठे लोग और ऐसा झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं तुमसे हमेशा सच्चे दिल से प्यार करूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे सच्चे दिल पर विश्वास रखना, सच्चे दिल से विश्वास रखना कि मैं तुम्हारी हर एक तकलीफ को समझूंगी। मुझे मौका देना खुद को समझने का, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम्हें बिना समझे मैं कैसे तुमसे और प्यार कर सकूँ। ऐसा थोड़ी कि बस मैंने तुमसे प्यार कर लिया, नहीं, मुझे हर पल तुमसे प्यार करना है, हर पल मेरी जान, मुझे हर पल तुमसे प्यार करना है। और इसमें कोई प्लानिंग नहीं है कि मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे वैसे प्यार करना है, नहीं, बस मुझे प्यार करना है तुमसे। जिस प्यार से तुम सीना चौड़ा करके, तुम फक्र से अपना सर उठा कर ये कह सको कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, हम दोनों साथ हैं, यस वी आर टुगेदर, ये कह सको तुम। ऐसा प्यार चाहता हूं मैं तुमसे करना। कभी ये मत सोचना कि हम दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों में बॉडली डिफरेंसेस हो सकते हैं,
यू आर अ फीमेल और अ मेल, आई एम अ फीमेल और अ मेल. हम लोगों के फिजिक्स में कुछ डिफरेंसेस होते थे, लेकिन हमारे जो इमोशंस है ना, हमारा जो एक एक दूसरे को लेकर भाव है, वो प्यार, वो एक होना चाहिए, वो एक रहना चाहिए, उसमें डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए. हम दोनों का गोल एक होना चाहिए, हम दोनों का एम एक होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ जीना है, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे के साथ लॉयल रहना है, ये एक होना चाहिए. तो फिर बॉडली डिफरेंसेस, तो फिर और तरीके डिफरेंसेस कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर ये विश्वास साथ है तो. वो कहते हैं कि आप उन्हें मौका जब दोगे खुद को समझने का, तो वो पूरी जिंदगी लगाने को तैयार हैं, लेकिन आपको ही वो मौका देना पड़ेगा, क्योंकि ये हक सिर्फ आपके पास है, ये हक उनके पास नहीं. आपको कहते हैं कि फॉलो योर पैशन और अपने करियर में कुछ कर दिखाओ, जैसे कि जब तुम मेरी जिंदगी में और मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें कभी ऐसा ना लगे कि तुम कुछ पीछे छोड़ा है, तुमने मेरे लिए कुछ सैक्रिफाइस किया. आई डोंट वॉन्ट दैट कि तुम मेरे लिए कुछ सैक्रिफाइस करो, अपना करियर सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं. तुम मेरे लिए अपना करियर कभी सैक्रिफाइस मत करना. मैं चाहता हूँ अपना करियर बनाकर तुम मेरे साथ आना, नहीं तो जब तुम मेरे साथ आओ तो अपने करियर को सैक्रिफाइस कभी मत करना. शादी के बाद भी अपने करियर में हमेशा मेहनत करना. तो मैं भी पूरी मेहनत करूंगा करूंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए. आई रियली वॉन्ट कि हम दोनों एक दूसरे को बढ़ते हुए देखें. कहते हैं ना, जवानी से मिडिल एज में, मिडिल एज से बुढ़ापे तक. मैं देखना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ये सब तुम्हारे साथ. क्यों? क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मेरा प्यार जो है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना एवरग्रीन है. शरीर चाहे बुढ़ा हो जाए, लेकिन जज्बात कभी नहीं होते. मेरे जज्बात कभी तुम्हारे लिए बुढ़े नहीं होंगे. शरीर हो जाए, आज आई लव यू मैं बड़े क्लियरली बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ आई लव यू जान, लेकिन जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो बोल पाऊंगा आई लव यू जान. ठीक है, बोले ये थोड़ा वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा वो ऐसा करके दिखाया. ठीक है, लेकिन है तो अभी भी वही बात ना, प्यार तो जवान ही है, प्यार तो जिंदा ही है. आज मुझे दिख रहा है तुम्हें बिंदी कहाँ लगानी है, तुम्हारे कुर्ते को कैसे सही करना है, लेकिन जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हाँ कब को पाते हाथों से सिर्फ बिंदी लगा दूंगा, ऐसे हल्के हल्के तुम्हारे कुर्ते को ठीक कर दूंगी, तुम्हारे बालों को ठीक कर दूंगी. ये ऐसा इतना आगे तक का वो साथ जाते हैं आपके साथ, तो क्या आप मतलब आप सोचिए कि वो कितना चाह रहे हैं, मतलब कितना आपके साथ जिंदगी बिताना चाह रहे हैं. कोई इस कदर आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता है तो देखिए उसमें कितना पागलपन है आपको लेकर, आपको लेकर कितना एक जोश है कि मुझे आपसे प्यार करना है, मुझे आपका साथ देना है, बस मैं आपको हो जाऊं और आप मेरे. वो ये चाहते हैं, उनका दिल तो कर रहा है कि बस वो आप भाग कर आओ, आप भाग कर आओ, वो आपको ना बिल्कुल सीने से लगा लें. वो ये चाह रहे हैं कि बस आप भाग कर तो आओ, वो आपको अपने सीने से लगाने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप कब आओगे वो ये नहीं जानते. ये तो सर ऐसे आप है ना, कोई नहीं जानता.
कि कब प्यार मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर ये जानते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। बहुत प्यारी रीडिंग आएगी आज की। आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, देखा आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, ठीक है। और देखते हैं वी हैव, कितना टेंशन लेते हो, जस्ट काम डाउन। तो आपको कह रहे हैं आप बहुत टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा काम डाउन होइए। राज आंखें तेरी, बहुत अच्छा सॉन्ग है। राज आंखें तेरी बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत इमोशनल भी है ये, आप जरूर सुनना आपके लिए आ रहा है तो। किस योर हैंड्स एंड हग यू, आपके हाथों को चूमना चाहेंगे और आपको हग करना चाहेंगे। यू आर माई एंजल है, हग की बात तो यहाँ पे आई दीदी की, वो आप बस आप आओ जल्दी सर, वो आपको गले लगा लें, पसीने लगा लें, तो आप उनके एक एंजल हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू, हाल कैसा है जनाब का, ठीक है। हमारी शादी का ख्याल करना, मेरी दुल्हन या मेरे दुल्हे, ठीक है। मेरे दुल्हे राजा या मेरी दुल्हन, थोड़ा भाई शादी का ख्याल कर लेना, ठीक है। कभी तो इतने पास आओ कि सांसें एक हो जाएं। ओहो, बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं आप किस हाउस में। 25 से 31, ये ईयर भी हो सकता है 2025 से 2031, या फिर ये 25 से 31 एज भी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी, ओ यहाँ तो प्रेगनेंसी की भी बात आ गई। आप किस पूछ जाएंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी से ही बर्थ दें अपने पहले बच्चे पे। जिनको उन्हें विश्वास होगा आप ऐसा कर पाओगे, आप ऐसा कर पाओगे, उन्हें विश्वास होगा ये। तो मे बी वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, वो तो फिर टाइम ही बताएगा ना। विद यू प्लस मी इक्वल्स टू आर्स, मैं और तुम अगर हम हो जाते। हिडन पाथ, कहना छुपा हुआ है ये रास्ता, कहाँ मिलोगे, किधर मिलोगे, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जब जब टाइम आएगा ना तो सब कुछ रिवील होने लग जाएगा, सब कुछ। थैंक यू गॉड, लास्ट मैसेज ये है भगवान को, वहाँ श्री कृष्ण दादा रानी को ये थैंक यू बोल रहे हैं, भगवान को थैंक यू ये बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप जैसे व्यक्ति से मिलवाया, और आप जिस व्यक्ति से वो मिलवाएंगे आपके स्पाउस को, तो उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं भगवान को। तो आप भी ज़रूर करिए, और ये थी आज की रीडिंग जो बहुत अच्छी आई है। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे कृष्ण श्याम हरि बोल श्री राधे।